नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अपना आशुतोष द्विवेदी जिला फतेहपुर से फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक सरसों की खेती है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में माहू कीट का प्रकोप सबसे अधिक होता है। सरसों की खेती किए जाने वाले लगभग सभी क्षेत्रों में इस कीट का प्रकोप बहुत होता है। किसान भाइयों, समय रहते अगर आप लोगों ने माहू कीट पर नियंत्रण नहीं पाया तो 60% तक किसान भाइयों आपकी फसल को नष्ट कर देगा ये। आइए, सरसों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए हम इस माहू कीट की पहचान कैसे करेंगे, आप लोगों को अभी इसकी हम जानकारी प्रदान करेंगे। किसान भाइयों, माहू आकार में छोटे होते हैं और यह समूह में आक्रमण करते हैं। किसान भाइयों, कीट का रंग हल्का हरा एवं पीला होता है। इस कीट की लंबाई किसान भाइयों 1 से 1.5 मिलीमीटर तक होती है। किसान भाइयों, माहू कीट सरसों की पत्तियों की निचली सतह एवं फूलों की टहनियों पर पाए जाते हैं। किसान भाइयों, माहू कीट सरसों की फसल को किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं हम आप लोगों को बताते हैं। शुरुआत में यह कीट किसान भाइयों पत्तियों का रस चूसते हैं, उसके बाद प्रभावित पौधों में फूल कम हो जाते हैं। किसान भाइयों, ये जिस भी पौधे का रस चूसते हैं उसमें किसान भाइयों फलियां कम आती हैं और फूल भी कम होते हैं। किसान भाइयों, अगर पौधों में फूल आ गए तो यह कीट फूलों का भी रस चूसने लगते हैं। इतना खतरनाक किसान भाइयों कीट है ये। कुछ समय बाद किसान भाइयों यह कीट सरसों की फलियों को भी नुकसान पहुँचाने लगता है। किसान भाइयों, बहुत ही खतरनाक कीट है। और किसान भाइयों, आपको लोगों को बताएंगे कि माहू की कीट पर आखिरकार कैसे नियंत्रण करना है। किसान भाइयों, इतना खतरनाक कीट है, अगर आप लोग इस पर नियंत्रण नहीं कर सके तो आपकी ये पूरी फसल को ख़त्म कर देगा और आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। किसान भाइयों, इसके लिए कुछ दवाइयां हैं और भी कुछ प्रकार हैं, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इसका नियंत्रण आप लोगों को कैसे करना है। कीट पर नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले प्रति एकड़ खेत में 4 से 6 पीली स्ट्रिकी ट्रैप लगाएं। किसान भाइयों, इसका नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले 4 से 6 पीली स्ट्रिकी ट्रैप लगाएं। किसान भाइयों, कीट को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पत्तियों, फूलों एवं डालियों को तोड़कर नष्ट कर दें। उसके बाद किसान भाइयों, माहू पर नियंत्रण के लिए 150 लीटर पानी में 500 मिलीमीटर हॉक मिलाकर छिड़काव कर दें, जिससे कि आपका यह कीट बहुत ज़्यादा रोकथाम हो जाएगी। उसके बाद किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि प्रति लीटर पानी में 2 मिलीमीटर टाटा टाइफगौर, एक किसान भाइयों दवा आती है, टाटा टाइफगौर नामक दवा मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा मार्केट में और भी दवाइयां हैं, वो भी हैं किसान भाइयों। एक आती है 15 लीटर पानी में मिलाकर 2 मिलीमीटर टाटा मीडा नामक की दवाई आती है, उसका छिड़काव करें। उसके बाद आवश्यकता होने पर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर दोबारा आप इस दवा का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस पोस्ट को लाइक करें एवं इसे अन्य किसानों के साथ भी साझा करें, जिससे अधिक से अधिक किसान मित्र इस जानकारी का लाभ उठाते हुए सरसों की फसल को माहू कीट से बचा सकें। इससे जुड़े अपने सवाल हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।